खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। वन विभाग के चक्रव्यूह में उलझे ग्रामीण और बिजली विभाग के कर्मी। ग्रामीणों के ऊपर लगे झूठे आरोप को ग्रामीणों ने एकजुट होकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप को किया खंडन। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पाखर पठारी क्षेत्र में विगत दिनों वन विभाग के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर गाड़े गए पोल खंभे के इर्द गिर्द बिजली विभाग के कर्मियों के कहने पर ग्रामीणों द्वारा लकड़ी काटे जाने मामले का खंडन किया है। शनिवार को डहरबटी यात्री सेट के समीप सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध करते हुए वन विभाग के विरोध में एकजुटता दिखाया है। इस बीच ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग हम सीधे साधे जनता और बिजली विभाग के कर्मियों के ऊपर झूठा आरोप थोप रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद और मंदगढ़ंत कहानी है। इधर मामले को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति आक्रोशित होते हुए कहा कि वन विभाग अपनी कार्यशैली सुधारे और जनता और बिजली विभाग के कर्मियों के ऊपर आरोप लगाना बंद करे, नहीं तो वन विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए उतारू हो जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों भुरसा खाड़ और डहरबाटी के इर्द गिर्द हरे भरे पेड़ काटे जाने मामले को लेकर वन विभाग की टीम छापेमारी कर अग्रतर कार्रवाई की थी, जिसका क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रकट किया था और वन विभाग को नसीहत देते हुए कहा था कि वन विभाग पहले लकड़ी माफियाओं को संरक्षण देने से बाज आए, उसके बाद जनता को झूठे आरोप में फंसाने के बारे में सोचे। इस बीच ग्रामीणों के अनुसार पाखर पठारी क्षेत्र में आए दिन बड़े पैमाने पर लकड़ी तस्करी का खेल जोरों पर किया जाता है, लेकिन वन विभाग की आंखों पे काली पट्टी हट नहीं रही है और क्षेत्र के भोले भाले जनता को झूठे आरोप में फंसाने का कार्य कर रही है, जिसका हम ग्रामीण पूरे जोश के साथ विरोध करते हैं। मौके पर सुखनाथ नगोशिया, मंगल नगोशिया, वीरेंद्र नगोशिया, गुलमन नगोशिया जैसी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा किस्को से सद्दाम खान की रिपोर्ट। इसकी सच्चाई जो है कि ना, हम लोग जंगल से गुजरा हुआ है, जो हम लोग का जो बिजली जो गया है ना, 70 साल से हम लोग बिजली अभी चालू हुआ है, तो वही जंगल से क्रॉस करते हुए हम लोग का केबल गया हुआ है, तो वही थोड़ा मुड़ा कहीं फोल्ड सोल्ड हो जाता है ना बीच में, तो हम लोग को कभी अंधेरे में रहना पड़ता है, तो वही थोड़ा सा डाली जो सट जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा साफ किए हैं, तो इसमें जो बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई जो की गई है, तो हम लोग को ना बिजली विभाग हम लोग को पेड़ काटने के लिए बोला था, ना झाड़ी साफ करने के लिए बोला था, हम लोग अपने मर्जी से हम लोग झाड़ी को साफ किए हैं, जो हम लोग गलत नहीं किए हैं, छोटा छोटा झाड़ी है उसको हम लोग साफ किए हैं, और उसमें बिजली विभाग हम लोग को नहीं बोला है, ना कोई और कोई जनता हम लोग नहीं बोला है, हम लोग अपने मर्जी से अपना गांव का जो अथी जो बनते हैं उसमें से हम लोग आप दो चार को मिल के अपना झाड़ी साफ किए हैं। पेड़ पौधा तो हम लोग काटे हुए नहीं है, जो डाली जो सड़ता है केबल में उसको हम लोग छोटा छोटा झाड़ी को साफ किए हैं, ना विभाग भी हम लोग को नहीं बोला है कि पेड़ काटने के लिए, ना कुछ करने के लिए, ना कुछ नहीं बोला है, हम लोग को डाली साफ अपने मन से किए हैं, और जितना जो पहल जो पाखर से या बोलापास से या डहरबाटी से जा रहा है उसको क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी यहाँ उस समय रेंज ऑफिस का गार्ड फॉरेस्ट रेंजर DFO और DFO कहाँ सुतल था, उसको पकड़ने के लिए रातों रात बेच बेच को पैसा कमा रहा है, खा रहा है, पब्लिक को शोषण दे रहा है, यही है चोर है, पक्का गुंडे है, यही हम कहना चाह रहा हूँ कि रात में जो चोरी कर रहा है उसको पकड़े, हम लोग को डाली साफ किए हैं उसको, हम लोग को ऊपर में करवाया दे रहा है, ये गलत बात है। सच्चाई तो गलत है, इसको ना बिजली विभाग का आदेश दिए थे, ना मिस्त्री लोग आदेश दिए थे, गाँव वाला ही बोला, गाँव वाला सब मिलके जितना लेन इधर पहाड़ी क्षेत्र में जितना भी है वो बोला कि थोड़ा सा डारी छोड़, मैंने पता है खाली उसको कलम भी हो जाएगा, कलम करने का है नियम, इसलिए कलम करने का नियम है, कलम करने के हम लोग काटने का, इसलिए हम लोग गोटे गांव का बहुत ही सोच सलाह करके वही डाली काटने का बात हुआ, और प्लस मान चल यहाँ झूठा जो बोल रहा है कि झूठा जाति गज काटा है पेड़ काटा है, पेड़ नहीं काटा गया है, और जितना 70 साल से हम लोग को अभी बिजली आया है पहाड़ी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में हम लोग का, उसी के अंधेरा से कहीं तार में सड़ जाता है, उसके कारण से हम लोग का मैंने डाली खाली अथी कही की है, बाकी बात पेड़ उड़ कहीं नहीं काटे हैं, ये सब गलत है, और रात दिन चौपहल लेके जाता है, कच्चा लकड़ी लेके जाता है, रात दिन ले जाता है, अब उसको कोई कार्रवाई नहीं होता है, देखते हैं रात को लेता है, कभी 12 बजे रात को, कभी 10 बजे रात को एकदम पूरा ले जाता है, कभी कहीं एकदम पूरा पाखर से छोटा छोटा चीज की भीड़ आती हुआ करता है, उन लोग को नहीं दिखता है, खाली हम लोग के पब्लिक को जितना भी पब्लिक को है खाली जूठो डाली खाली कलम खारी किए हैं, कलम करने का, और हम लोग भी हम लोग खुद बन
का रिएक्शन करते हैं, माने हम लोग सहयोग करते हैं वन को कि नहीं इसको मत काटिए उसको मत काटिए, लेकिन हम लोग खुद कहता है कि आप लोग का क्या हो रहा है। तो इसका माने जो लकड़ी लेकर अति माने चौपहल बेचने वाला वो स्वयं होगा कोई अथी देता होगा, देखे तो नहीं है लेकिन देता होगा तभी ना सब बोलता है। तुम लोग क्यों हक होता है बोलने के लिए, तुम लोग का बाप के अति जाति गच है, तुम लोग के अति घर का जाति जंगल है, घर के जंगल है का के जो काटने वाले ले आता है, इसका माने उन लोग मिलकर तब नहीं कार्रवाई उन लोग नहीं होता है। कहीं पे हम लोग के इतना साल से 70 साल से अभी बिजली आया जितना हुआ, मेरा नाम हुआ सुखनाथ नगेसिया, मान चले बहरा कोना डहरबाटी पुरसा खैर का हुआ या बंगला पाट हुआ या पोखरा पाट है समर खैर हुआ, मान टोटल अनेक बार पानी हुआ या ढोटी सिगरागढ़ा हुआ या सरना पाट हुआ या डूमर पाट हुआ, टोटल के आदमी हम लोग के यही बात है। हम लोग यहाँ कोई हम लोग नहीं काटते हैं जान के, नहीं काटते हैं और नहीं काटेंगे, इसलिए कि हम लोग खुद स्वयं मना करते हैं, और मना करते हैं तो कहता है कि नहीं तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा जमीन सरकार अति है, तुम्हारा गच्छ तुम अति जन्माया है जब गच्छ को, ये तो सरकार का है, सरकार के कह के वो ले जाता है, बाकी बात हम लोग नहीं काटते। बिजली विभाग को गलत सिलेंडर डाल रहा है, गलत में डाल रहा है, बिजली विभाग का ना कोई आदेश दिए हैं ना मिस्त्री लोग आदेश नहीं दिए हैं, कोई नहीं दिए हैं, इसमें गांव का सबका सहयोग से खाली कलम करने का डार कलम करने का खाली हम लोग सब पूरा गांव का पूरा डहरबाटी हुआ भैंसबाथान हुआ पुरसा खैर हुआ देरगढ़ा हुआ यहां का माने टोटल सरना पाट हुआ डुमर पाट हुआ पोखरा पाट हुआ बंगला पाट हुआ बर पानी हुआ पटिया पानी हुआ थी हुआ बंदरी तरिया हुआ भूसा खैर हुआ मोड़वा पाट हुआ सबका सलाह से एगो चलिए, लेकिन यही बोला गया है कि डार को काटना खाली हल्का हल्का पत्ते खाली अति करना है, बाकी बात इधर अति नहीं होने के लिए, आने तो पेड़ नहीं काटा गया, पेड़ को काटा गया तो गलत सोल्यूशन भी दिया है वो गलत दिया है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।